हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सुषमा ब्लॉग में स्वागत है। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली होगी है दोस्तों। चलिए, और आज मतलब अब दो तीन दिन हो चुका है हमारे, मतलब मुझे यहाँ आए हुए मौसी के यहाँ, तो मैं दो तीन दिन से यहीं हूँ। तो यहाँ फिलहाल देख सकते हैं मैं आ चुकी हूँ यहाँ खेत पे, खेत में यहाँ, तो इधर सामने में कुआं है, तो कुआं के पास में थोड़ा सा मैं बैठ गई थी एडिटिंग वगैरह। जैसे कि यहाँ नेटवर्क ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है, बहुत दिन से हमारी वीडियो नहीं जा रही थी, तो इसलिए आज बाहर यहाँ पे रह करके, घर से बाहर एक घंटा बैठ करके यहाँ पे अपना वीडियो वगैरह को एसईओ किया, यहाँ पे देख करके अपना ये किए, तो आज फाइनली वीडियो हमारा छूट चुका है। और ये देखिए यहाँ पे गैया चर रही है यहाँ पे। क्या करे भौजी, गैया को निकाल दें, चरने दे। भौजी बोलते बोलते आए हैं, हम क्या बोले, हम तो इधर ही बैठ गए, और हमें मौसी गुस्सा करने लगेंगी। और ये देखिए गैया चर रही है बाहर, अभी भी चर रहे हैं। ये जौ में हेल गया था ये बछड़ा, तो कोई नहीं भाभी हमारी, हम सोच रहे थे कि गैया चरेगी इसलिए तो छोड़ दिए थे ऐसे ही। तो चलते हैं, अब हमें जाने का समय हो चुका है दोस्तों। यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ के आपको हम दिखाएंगे क्या हमारा मौसी का कैसा घर है, खपड़ा पोस्ट है, मिट्टी की घर है, तो वो आपको। तो चलते हैं, खाना वगैरह में क्या चीज़ बनाए हमारी भाभी। तो अभी समय को 9:03 हो रही है दोस्तों, तो मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ यहाँ मौसी के यहाँ से। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको आम के पौधा मिल जाएंगे। ये देखिए, ये छोटा सा आम है, और क्या बोलते हैं इसको, कलमी आम बोलते हैं, कलमी आम है, तो छोटा से ही ये मंजरने लगा है, मंजरना हम लोग बोलते हैं, फूल लगने लगा है। और पहले यहाँ नींबू था यहाँ पे, तो नींबू अब ख़त्म हो चुका है, नहीं है। तो चलते हैं घर इसी तरह से अंदर। और आपको गांव में रहने से ना दोस्तों, आपको हरा भरा हमेशा नजर आते रहेगा, और चना भी है, जौ भी है, चना चना जौ एक में करके बो दिए हैं। कल बहुत जोरों से तूफान हुआ था यहाँ। और ये देखिए यहाँ पे टमाटर तो मैं फर्स्ट टाइम ही दिखाती थी। और ये देखिए यहाँ पे सेम भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, मतलब थोड़ा थोड़ा है, और ये सब अभी झड़ेगा ना, उसके बाद में नया नया चैत वाला फिर फलेगा। चैत वाला सेम बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। किसको किसको अच्छा लगता है दोस्तों, ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा सेम लग रहा है आपको, लगता है खाने में सेम, किसको किसको पसंद है जरूर बोलिएगा दोस्तों। और आज हम ले जाएंगे क्या बोलते हैं इसको, पपीता भी ले जाएंगे, पपीता भाभी को बोलेंगे तोड़ने के लिए। तो ऐसे ही भाभी बोलते हैं, लेकिन हम नॉर्मली हो जाते हैं, हमको गुस्सा नहीं आता है भाभी को बोलने से सॉरी, माफ़ी चाहेंगे, बोलने के लिए इस तरह से हो जाता है। तो ये देखिए क्या कर रहे हो चुटकी, हैं ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है मंगलवार, और यहाँ पे देख सकते हैं सुबह हो चुकी है, तो हम यहाँ पे लेट आज उठे हैं। तो ये देखिए हमारी मौसी जो है यहाँ बकरी वगैरह निकाल दी है चराने के लिए, और रात में बहुत जोरों से यहाँ पे तूफान आई थी, आया था तूफान, तो यहाँ पे बैर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। ये देखिए यहाँ पे बैर, ये देखिए वो बैर पूरा जो पका हुआ था, वो सो आंधी तूफान में बहुत बैर गिर गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मौसी सुबह सुबह ही चुन करके ले आए हैं, क्योंकि धूप में सुखाएंगे। और जस्ट मैं उठी हूँ, कल बहुत ज़ोरों से थक गई थी, और इसकी वजह से थोड़ा सा लेट उठे आज, अभी जस्ट उठ रहे हैं, तो हम कम ये अपना कैमरा ही उठा लिए। तो मॉर्निंग, तो मैं बैर आपको दिखाती हूँ, यहाँ देखिए, इधर हम ले चलते हैं आपको घर में। कहाँ बैर है, कहाँ बैर है, कहाँ मौसी बैर रखे। ये देखिए दोस्तों, गमला में हमारी मौसी इतनी सारी बैर रखे हुए हैं, बैर, हम लोग बैर नहीं बोलते, बैर बोलते हैं अपने भाषा में। ये देखिए इतना बैर है दोस्तों, खा पी लिए दोस्तों यहाँ से, और खाना वाना हो चुका है, और हम लोग जा रहे हैं नदी में नहाने के लिए, नहर में।
तो बहुत दिन के बाद जा रहे हैं, नहर में हम नहाए भी नहीं हैं। समझ लीजिए कि शादी से पहले गए थे, शादी हुआ था उसके बाद गए होंगे पहले। कितना साल बाद जा रहे भाई? बहुत दिन बाद ना, कितना साल हो गया? 10-15 साल के बाद जा रहे नहर में, 15-16 साल 17 साल के बाद जा रहे दोस्तों नहर में नहाने के लिए। ज्यादा ही हो गया, 20-22 साल हो ये गई होता है। नदी में फिचल है ये। चलो ये देखिए कपड़ा उपड़ा निकाल रहे हैं मौसी। चलिए मौसी, हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। ओह देखिए मौसी निकल चुकी है इधर। कहाँ चल रहे मौसी? नहरा में, नहर में, नहर में, नहर में। नहीं पानी नहीं है कुएं में। हम लोग ले चलते हैं आपको नहर में, नहरा में नहाने के लिए। आपको नहर के नजारा दिखाएंगे। यहाँ देखिए इधर हमारी भाभी लगा रही हैं। का काटने यहाँ से हम लोग नहाने के लिए तुले लग कपड़ा पहने हैं। यहाँ नहाने के लिए नहर में देख सकते हैं कपड़ा में इतना ले करके जा रहे हैं। ये बड़ा सा गमला है, तो हम आपको चल करके नहर में आपको दिखाएंगे। और यहाँ का नजारा देख सकते हैं दोस्तों, बैल बकरी यहाँ देखिए चल रहे हैं अभी। और चलिए ले जाएंगे इधर। पकड़ ले रहा वैसे ए वैसे का छोड़ दऊ अरे अने आ था घरवा में था दोस्तों। मौसी बुलाए सुबेरे और अभी आए पकड़ के ले जा रहे। बहुत कठिनाइयों से अभी हम लोग आ रहे हैं। अभी लोग को बुलाइएगा सब फेरा के तो पकड़ के ऐसे ले जाते हैं दोस्तों। और आपको यहाँ सांप था यहाँ पर, यहाँ यहाँ देखिए यहाँ था यहाँ पर। और निकले मौसी मौसी बाल बाल बच गई हैं। हम लोग कितना मुश्किल से हम लोग मरे मरने से बचे हैं दोस्तों, इतना बड़ा सांप से सोच सकते हैं। इन्हीं को मिला था सांप। जस्ट मौसी आ रही हूँ उधर से, इधर से जा रही हूँ उधर से आ रही हूँ, एकदम ऐसे करके सांप था दोस्तों ऐसे। कैसे नजर पड़ा? कैसे नजर पड़ रहा है? ये तो नजर पड़ रहे हैं देखा लिया एकदम बाल 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 बच गए ना, भगवान की महिमा था। आ रहे हैं नहाने के लिए, देखिए इतना जंगल झाड़ी होते हुए। हेलो हेलो हेलो, आज फुलवरिया के सब गए थे। हेलो हाँ बोलिए। आ गए नहाने के लिए। ये देखिए नहर चालू हुआ है तो यहीं से थोड़ा सा सुविधा हो गई है। और मेरी मौसी के यहाँ तो पानी के लिए बहुत दिक्कत हो गया है और इनको बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा इनको परेशान नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ नहाने के लिए। अगर नजदीक होता तो ऐसे पानी ले जाकर के घर में नहा लेते, लेकिन दूर दूर से पानी नहाने के लिए ले जाने से दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फ्रेश पानी है ये नहर का, तो हम लोग कपड़ा भी धो लेंगे और नहा भी लेंगे। नीचे जाकर के दिखाइए ना, आ गई नहाए। अरे भाभी यहाँ पे कपड़ा बोथ रहे हैं नहर में आकर के, ये सब कपड़ा जो लाए हैं खींच लेंगे भाभी हमारी, और हम इधर बैठे हुए हैं खींच लेंगे तब हम नहरिया देखो।
जगह जगह पर भलको है, वहाँ देखो ना उधर पे तो आपको इधर भलको नजर आ रही है देखिए, क्योंकि पानी खोल दिया जाएगा तो उधर गेहूँ होगा पटाने के लिए, गेहूँ उधर होगा कपड़ा लता अभी धो रहे हैं, अभी हम लोग नहाए नहीं है। छोटकी इधर खपड़ेल से थोड़ा सा ऐसे ही नहा रही है, मैल छोड़ा रही है, मैल छोड़ा छोड़ा के इधर भौजी साबुन लगाते जा रही हैं, इधर मौसी हमारी धोते जा रही हैं, दोनों मिल के धो रहे हैं जल्दी जल्दी। नहा रहे हैं नहर में और 18 साल के बाद आए हैं नहर में, तो हम 18 बार डब डब ये पीटे और हम लोग नदी में कैसे नहाते थे पूरा पका के, ठंडा है दोस्तों यहाँ देखिए हम लोग कैसे नहाते हैं डब डब ये पीट पीट के नहा रहे हैं, ओह अच्छा लग रहा है। नहा धोवा लिए हर के देख सकते हैं, अब जा रहे हैं घर और नहाए धोवाए थे सो मौसी हमारी कपड़ा धो रही हैं, कपड़ा धो करके अब हमारी फाइनल काम हो चुकी है नहाना धोवाना कपड़ा भी धोना, और सिर्फ धो करके जा रहे हैं। भाभी इधर कपड़ा डाले हुए हैं, चप्पल मौसी हम लोग का कपड़ा हम लोग धो करके डाले हुए हैं, तो ये कपड़ा हम लोग उठा करके जा रहे हैं, ये देखिए सारा कपड़ा सूख चुका है थोड़ा थोड़ा करके, इधर छोटकी रखी हुई है कपड़ा लेकर के हम लोग जा रहे हैं। घर आ चुके हैं ये देखिए, और जो कपड़ा खींचा हुआ है इधर टांग देंगे, ये देखिए इधर डालने जा रहे, मौसम खराब कर दिया है यहाँ पूरा बादल बादल किया हुआ है, ये देखिए कुआं पर डाल करके आ रही है मौसी। ये देखिए यहाँ अगर कुआं में पानी होता तो यही नहाना खींचना हो जाता, लेकिन यहाँ थोड़ा सा भी पानी नहीं है इसके वजह से जाते हैं दूर नहाने के लिए, पानी भी बहुत दूर लेने जाना पड़ता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करें। वीडियो कैसा लगता है प्यारा सा कमेंट करते जाइएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल और आज का, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए वीडियो के साथ, बाय बाय।